मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी के पास, जहाँ चेक हुकाम के मुताबिक एक 24 साल तालिब इल्म डेविड कोजाक ने अपने वालिद को हलाक करने के बाद यूरोप की कदीम और मारूफ चार्ल्स यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जहाँ फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद हलाक और तकरीबन 24 जख्मी हुए, जबकि हमला आवर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक यह वाकया जुमेरात की दोपहर 3 बजे चार्ल्स यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कैंपस में पेश आया, जो कि प्राग के तारीखी ओल्ड टाउन और चार्ल्स ब्रिज से बस चंद मिनट की दूरी पर है। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमलावर चार्ल्स यूनिवर्सिटी के शोबे आलमी तारीख का तालिब इल्म था और सिलेक्टना स्ट्रीट पर वाके यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में एक लेक्चर लेने वाला था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही इस बिल्डिंग को खाली करवाया, मगर इसी दौरान करीबी आर्ट्स कैंपस में फायरिंग पेश आई। पुलिस का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर हमलावर का एक मुबैना अकाउंट मिला, जिसमें उसने खुदकुशी और मास शूटिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था और ये भी कहा था कि इसने रवा साल रूस में होने वाले एक दहशतगर्दी के वाक़े से मुतासर होकर हमले का प्लान किया था। फायरिंग के दौरान हमलावर को यूनिवर्सिटी की छत पर एक राइफल के साथ देखा गया था, जहां से पुलिस ने बड़ी मकदार में असलाह भी बरामद किया। चेक पुलिस इस वाकये की जांच कर रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या इस हमलावर का ताल्लुक प्राग में पिछले हफ्ते होने वाली 2 हलाकतों से है या नहीं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जमहूरिया चेक की तारीख में होने वाला फायरिंग का बदतरीन वाकया है। रमीशा अली, प्राग, इंडिपेंडेंट उर्दू।